Hey guys, welcome back to my channel, and the topic from unit 3 is first of all job evaluation. So what is job evaluation? It is a systematic way of determining the value of a job in relation to other job. Job evaluation में हम ये check करते हैं कि एक job दूसरी job से कैसे अलग है, उसका compensation structure उससे किस तरह से अलग होना चाहिए. It tries to make a systematic comparison between job to assess their relative worth for the purpose of establishing a relational पे स्ट्रक्चर. हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो हम जॉब इवेल्यूशन में ये चेक करते हैं कि किस जॉब का पे स्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग होना चाहिए. इसके दो मेथड्स होते हैं, नॉन एनालिटिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एनालिटिकल मेथड. नॉन एनालिटिकल मेथड क्या कहता है? दीज आर दोज मैथड वेयर जॉब्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर विदाउट एनी अटैम्प्ट टू ब्रेक डाउन. इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का ब्रेक डाउन नहीं करते, सिर्फ हम कंपेयर करते हैं एक जॉब को दूसरे जॉब से. नॉन एनालिटिकल मेथड में दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ रैंकिंग मेथड एंड द अदर वन इज़ ग्रेडिंग मेथड. रैंकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, रैंक हाई टू लो. इसमें हम रैंक देते हैं हाई टू लो उनको जॉब्स को. उसके इसके क्या फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. रैंकिंग मेथड उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है जो स्मॉल साइज की है. सिंपलेस्ट मेथड होता है ये, और ये बहुत ही कम लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारी ऐसी जॉब्स हैं जो हाई रैंक पे हैं और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो लो रैंक पे हैं. उसके बाद ग्रेडिंग मेथड. ग्रेडिंग मेथड क्या कहता है? जॉब डिस्क्रिप्शन इनटू सीरीज ऑफ ग्रेड्स दैट कवर रैंक ऑफ जॉब. जैसे कि ऑफिस मैनेजर हो गया, डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया. ग्रेडिंग मेथड में हम ये देखते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट को हम ग्रेड दे देते हैं. जैसे कि ऑफिस मैनेजर का एक अलग एक मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर का एक अलग मैनेजर है, सेल्स का एक अलग एक मैनेजर है. तो उनको हम एक दो तीन चार पाँच करके ग्रेड दे देते हैं. इसके क्या फीचर्स होते हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट. हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमें कौन से ऑपरेशन में काम करना है, कौन सी जॉब को हमें किस तरह से पे स्ट्रक्चर मैनेज करना है. ईजी हो जाता है हमारे लिए. सूटेबल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल होते हैं क्लासीफाइंग से पे डिटर्मिनेंट्स. हमें ईजी हो जाता है अपना पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ग्रेड दिया हुआ है, हमें फर्स्ट को कितनी सैलरी देनी है, सेकेंड को कितनी देनी है, थर्ड को कितनी देनी है, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद आता है हमारा एनालिटिकल मैटर. एनालिटिकल मैटर क्या कहता है? वेयर जॉब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैक्टर्स, जिसमें हम फैक्टर्स में जॉब्स को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें कि इजीली एनालाइज कर सकें कि हमें कौन सी जॉब को कौन सा पे स्ट्रक्चर देना है. एनालिटिकल मेथड में हम दो तरह से फैक्टर कंपैरिजन कर सकते हैं. सबसे पहला होता है हमारा फैक्टर कंपैरिजन मेथड, दूसरा होता है हमारा पॉइंट रैंकिंग मेथड. फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या कहता है? जॉब इज़ इवेल्यूएटेड एंड रैंक गिवन ऑन फैक्टर बेसिस, लाइक उनकी मेंटल एफर्ट्स कितना है, फिजिकल एबिलिटी कितनी है, स्किल रिक्वायर्ड कितनी है, वर्किंग कंडीशन कितना है. मतलब हम पर्टिकुलर फैक्टर के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितनी जॉब के लिए हमें क्या कौन सी मेंटल एफर्ट्स चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, स्किल रिक्वायर्ड चाहिए, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उनका पे स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसके फीचर्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होता है. अगर हमें मेंटल एफर्ट वाला बंदा नहीं चाहिए तो हम स्किल रिक्वायर्ड वाला ले लेंगे. मतलब फ्लेक्सिबल नेचर का होता है. ईजी टू एक्सप्लेन एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करने में ईजी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कौन से बंदे को कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. डिटरमाइन वर्थ ऑफ जॉब. ये एक्चुअल वर्थ बताता है जॉब की, कि क्या वर्थ है जॉब की. उसके बाद सेकेंड आता है हमारा पॉइंट रैंकिंग मैथड. पॉइंट रैंकिंग मैथड क्या कहता है? की फैक्टर डिटरमाइन एंड देन सब फैक्टर डिटरमाइन. जो की फैक्टर हमने फैक्टर कंपेरिजन में डिटरमाइन करे थे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम स्किल रिक्वायर्ड का, तो पॉइंट रैंकिंग मेथड में हम उनका सब फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. जैसे कि स्किल में हमें कौन सी स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, सोशल स्किल चाहिए, ट्रेनिंग किस तरह की देनी है उनके स्किल के अकॉर्डिंग. इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये हमें एक्यूरेट मेथड बताता है. ये हमारा एक्यूरेट मेथड होता है. वर्कर फेवर. ये वर्कर के फेवर में होता है, क्योंकि वर्कर्स को भी सीखने का मौका मिलता है और हमें ये पता चल जाता है कि उनकी स्किल के अकॉर्डिंग हम उनको क्या पे करना है. जॉब कैन बी डिस्टिंग्विश. ये जॉब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होती है, क्योंकि स्किल सबकी अलग अलग होती है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेज बोर्ड. वेज बोर्ड क्या होता है? इट इज़ अ रूल रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लेबर मैनेजमेंट एंड पब्लिक. वेज बोर्ड एक ऐसा रूल, मतलब एक रूल बनाता है जो लेबर के, मैनेजमेंट के और पब्लिक के फेवर में होता है. वेज बोर्ड आर सेटअप बाय गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट कैन नॉट सेलेक्ट मेंबर्स. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अपॉइंट मेंबर्स. जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज होते हैं वो अपॉइंट करते हैं मेंबर. गवर्नमेंट कभी भी वेज बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट नहीं करती है. इसका मेन पर्पज़ होता है
जो हम वेज सैलरी वगैरह फिक्स करते हैं और इनकम ऑफ पर डे इनकम क्या होनी चाहिए किसी पर्सन की, तो वो सब हम वेज बोर्ड में फिक्स करते हैं. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इन दिस मिनिमम वेज रेट डिफरेंशियल, इसमें हम मिनिमम वेज रेट डिफाइन करते हैं कि हमारा मिनिमम वेज रेट क्या होना चाहिए वर्कर का. कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करते हैं कि कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग होनी चाहिए पर पर्सन, आवर्स ऑफ वर्क कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ हॉलीडेज कितनी प्रोवाइड होनी चाहिए, कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पे कमीशन. पे कमीशन क्या कहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप पे कमीशन टू रिकमेंड चेंजेस इन सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पे कमीशन, मतलब कि उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है कि उनको किस तरह से उनको कमीशन मिलेगा उसको बोलते हैं पे कमीशन. हमारे में 6 पे कमीशन ऑलरेडी आ चुकी हैं, 7th जो आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले जो फर्स्ट पे कमीशन थी वो इस्टेब्लिश हुई थी जैन 1946 में एंड इसको रिपोर्ट किया गया था मई 1947 में. उसके बाद इसकी क्या फीचर्स है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेड अ लिविंग वेज. इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनकी लिविंग वेज प्रोवाइड करते थे कि जिसमें उनका डेली का खर्चा निकल सके. उसके बाद कई और पेज आई. अब जो 7th पे कमीशन जो अब आने वाली है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा? इट इज़ ऑन प्रोसेस, वो प्रोसेस में है. 16% ऑफ इन सैलरी प्लस डीए, जो 16% ऑफ सैलरी प्लस डीए में इनमें इंक्लूड हो गया है कि और एक्स्ट्रा उनको मिलेगा. टोटल इंक्रीज 23.55% इनकम, उनका जो टोटल इंक्रीज़ है वो 23.55% बढ़ जाएगा. मिनिमम पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है वो 1800 है और मैक्सिमम 2,25,000 है. एनुअल इंक्रीमेंट 3% से उनका बढ़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन. टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ कंपनसेशन में एम्प्लॉयज़ को टैक्स पे करना पड़ता है और किस में नहीं करना पड़ता. सबसे पहले आते हैं हमारे एग्जेम्पशंस. एग्जेम्पशंस कहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को कंपनसेशन में टैक्स नहीं पे करना पड़ता. कंपनसेशन और रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट पे कंपनसेशन मिलता है उसमें एम्प्लॉय को कभी टैक्स पे नहीं करना पड़ता. डेथ के टाइम पे एम्प्लॉय को टैक्स पे नहीं करना पड़ता. इंटरेस्ट और इनकम या इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रहा है तो उसमें भी उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता. पेमेंट फ्रॉम पीएफ, अगर पीएफ से कोई पेमेंट मिल रही है तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता. टैक्स इंक्लूड, कौन कौन सी ऐसी कमीशन है जिनमें टैक्स इंक्लूड होता है? मेडिकल अलाउंस अगर उसे मिल रहा है तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है. ओवरटाइम में, सर्वेंट अलाउंस में, टिफिन अलाउंस में, टेलीफोन अलाउंस में, हॉलीडेज में, एनी अदर कैश अलाउंस जितनी होती है उन सब में उसको टैक्स पे करना पड़ता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिलेटिंग टू कंपनसेशन. ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं बहुत बड़ा टॉपिक इतनी जल्दी नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि मुझे भी अच्छे तरह ये टॉपिक नहीं आया है. तो इसका बेसिकली मतलब ये है, नेशनल कमीशन ऑन लेबर इज मेड टू डू चेंजेस इन लेबर लॉ. ये लेबर लॉ के चेंजेस के लिए बनाया गया था. जो हमारा फर्स्ट लॉ आया था वो 24 दिसंबर 1966 को आया था और जो हमारा सेकेंड लॉ जिसके बारे में हम इसमें बात करेंगे वो हमारा आया था 15 अक्टूबर 1919 में. इसका मेन 99 में इसका मेन पर्पज़ ये था कि हम लेबर के बेनिफिट के बारे में, लेबर की क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं. सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 3rd एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.